किसानों के आंदोलन का बुधवार को 28वां दिन रहा, लेकिन अब तक कोई बात नहीं बनी है। सरकार अपने इरादे पर अडिग है तो किसान तीनों नए कानून वापस लेने की मांग पर डटे हैं। सरकार ने एक बार फिर बातचीत का प्रस्ताव भेजा, लेकिन किसान ने बातचीत का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। सिंघू बॉर्डर पर 40 किसान संगठनों की बैठक में यह फैसला लिया गया है। भारतीय किसान यूनियन के युद्धवीर सिंह ने कहा कि जिस तरह से केंद्र बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है, इससे स्पष्ट है कि सरकार इस मुद्दे पर देरी करना चाहती है और विरोध करने वाले किसानों का मनोबल तोड़ना चाहती है। सरकार हमारे मुद्दे को हल्के में ले रही है। मैं उन्हें इस मामले का संज्ञान लेने के लिए चेतावनी दे रहा हूँ। किसान संगठनों की बैठक के बाद आयोजित पीसी में योगेंद्र यादव ने कहा कि हम तीनों कृषि कानूनों में किसी भी प्रकार के बदलाव की बात नहीं कर रहे, बल्कि तीनों कानूनों को निरस्त करने की मांग करते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर जो प्रस्ताव सरकार से आया, उसमें कुछ भी साफ नहीं है और स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ठोस प्रस्ताव लिखित में भेजे और खुले मन से बातचीत के लिए बुलाए। उधर दिल्ली पुलिस का कहना है कि सीमा पर लगातार प्रदर्शनकारी किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर इस गतिरोध को दूर करने के लिए सरकार की कोशिशें जारी हैं। Thank you.